So good morning friends, again we are came here for exercise 3.1 third question. चलिए third question को फिर हम solve कर लेते हैं यहाँ पर, आइए देखते हैं। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, हम पूरी 10th की मैथ्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो सारे वीडियोस और सारे प्लेलिस्ट सारे डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक हर वीडियो में हर प्लेलिस्ट की हर चैप्टर वाइज सारी लिंक मैं यहाँ पर बना दूंगा, पहले अपना कोर्स कम्प्लीट हो जाए। ओके, So the cost of the 2 kg of the apple and 1 kg of the grapes on a day was found to be Rs. 160 after a month. The cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and graphically. So, solve karte hain. Dekhiye, the cost of 2 kg of apple, hai na, 2 kg apple hai aur 1 kg grapes hai, theek. Let apple equal to x and grapes equal to हुआ है एप्पल को एक्स के लिए ग्रेप्स को, तो 2 केजी ऑफ एप्पल एंड 1 केजी ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। तो 2 केजी है तो 2 इनटू कर देंगे एक्स प्लस 1 केजी ऑफ ग्रेप्स है तो 1 इनटू वाई, ठीक है 1 इनटू वाई करेंगे तो भी वही बात है इक्वल टू 160। ये हो गया आपका 160। नाउ 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगेन सेकेंड इक्वेशन बनेगी, आप यहाँ से आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 केजी, सो 4 इंटू एक्स प्लस एप्पल्स एक्स है देन 2 केजी ऑफ क्रेप्स, सो 2 इंटू वाई इक्वल टू 300। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मिल गया। इसको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली, दिस आवर एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज डन। नाउ we are going to graphically represent these two equations, so just I have to rub these equations. I'm just writing here 2x plus y equal to 160 first and 4x plus 2y equal to 300, ye aapka second ho gaya. Chaliye ab rub kar dete hain, चलिए फर्स्ट इक्वेशन एक बॉक्स बना लेते हैं, थ्री वैल्यूज ले लेते हैं। थ्री वैल्यूज में क्या होता है लाइन बनाने में इजी रहती है, इसलिए हम थ्री वैल्यूज लेते हैं। एक्स वन यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब यहाँ पर लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू सपोज हमने यहाँ पर रखना है सपोज ये 10 ले लेते हैं माइनस 10, ओके माइनस 10, सो 2 माइनस 10 प्लस y इक्वल टू 160। अगेन व्हाट हैपेंस, मिल जाएगा माइनस 20 प्लस y इक्वल टू 160, ये हो गया y इक्वल टू 160 माइनस इधर के तो ये प्लस 20 हो गया। ओके सो इट बिकम्स y इक्वल टू 180, y 180 आ गया। अगेन करेंगे 2x प्लस y में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0, अगेन x इक्वल टू 0 किया देन 2 यहाँ पर 0 प्लस y इक्वल टू 160 देन व्हाट हैपेंस, ये हो गया 0, सो 0 प्लस y इक्वल टू 160, सो y इक्वल टू 160। ओके सो y इज इक्वल टू 160, यहाँ पर माइनस 10 पर कितना आया था आपका 180। नाउ अगेन द वैल्यू ऑफ x पुट करने वाला हूं मैं, अगेन x इज इक्वल टू 10 ले लेता हूं, 10 ले लेता हूं तो 2 इनटू 10 प्लस y इक्वल टू ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 20, y इक्वल टू 160 माइनस इधर 20 हो जाएगा। ओके हमें थोड़ा सा डायरेक्ट लिखे 160, ये हो गया 140, 140 आ गया, ये हो गया आपका 140। चलिए एक इक्वेशन हमारी सॉल्व होगी, अगेन दूसरी वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 है, सेकंड लेट किया x इक्वल टू एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपकी x, हो गया आपका y, तीन वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक। नाउ सपोज मैंने यहाँ लिखा चलो ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो 300 है, तो इसको कैंसिल आउट भी कर पाए ना, 4 सपोज में माइनस 1
यहाँ 10 ले लेता हूँ, सो माइनस 10 0 एंड 10 अगेन वही चीज ले लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो 4 जो हो गया आपका माइनस 10, सो क्या हो गया 4 माइनस 10 प्लस 2 y इक्वल टू 300, सो हो गया माइनस 40 प्लस 2 y इक्वल टू 300, सो 2y इक्वल टू हो गया 300 माइनस का प्लस 40, सो y इक्वल टू 340 अपॉन 2। इट मींस हाउ मच, 2 1 2 1 2 7 14 0, सो 170 y की वैल्यू आ गई आपकी 170। अगेन लेट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखी है तो 4 यहाँ पर 0 प्लस 2y 300, अगेन 2y 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका 300 अपॉन में जाएगा यहाँ पर 300 अपॉन 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 वन जब 2 2 फाइव जब 0, सो y इक्वल टू 150 हो जाएगा, ये आपका 150 आ गया। अगेन यहाँ पर लेट करेंगे x की वैल्यू क्या करेंगे 10 रख देंगे, देन 4 इन 2 हो जाएगा यहाँ 10 प्लस 2y 300, देखिए अगेन यहाँ 0 हो गया तो 2y सॉरी ये 2y इक्वल टू ये आपका हो गया 40 और 300 यहाँ पर जाएगा माइनस में 2y इक्वल टू 300 माइनस 40, ठीक है। सो आई एम डूइंग दिस ओवर हियर, 2y इक्वल टू कितना हो गया 40 माइनस हुआ तो 260, y इक्वल टू 260 अपॉन 2, इट मींस 202 2 3 6 130, सो y इक्वल टू 130। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है, अब इन वैल्यूज को हम क्या करने वाले हैं है ना, ग्राफ बनाते हैं, चलिए रब कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज रख लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस में ये माइनस x हो जाएगी वैल्यू, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनus 8 माइनus 9 माइनस 10 माइनस 11, ऐसे ही माइनस 1 सॉरी। अब देखिए यहाँ पे हम हंड्रेड्स में जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम 50 ऐसा करते हैं 100 200 300, एक काम करते हैं और 20 से कर लेते हैं, 20 40 60 80 100 120 130 140 160 180, ओके 180 ऐसा आ गया, ये माइनस में अगेन यहाँ पर भी 20 40 60 80 100 120 140 160 एंड 180, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई 160 को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है माइनस 10, आपकी वैल्यू है माइनस 10, ये माइनस 10 आपका यहाँ पर है माइनस 10 और कौन सा मिलाएंगे 180, सो माइनस 10 एंड 180, सो 180 इज दिस एंड दिस इज द माइनस 10, ये आपका एक पॉइंट आ गया। दूसरा आपका जाएगा 160 जीरो पर 160, ये हो गया जीरो पर 160 एंड थर्ड वाला 10 पर 140, ये हो गया आपका 140, this one is the one, this one is the 10, so 140, so ऐसे देखेंगे तो ऐसे लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है। सो ये लाइन हो गई आपकी 2x plus y equal to 160। अगेन हम देखेंगे दूसरी लाइन बनाएंगे, वो है आपकी माइनस 10 माइनस 10 ओके माइनस 10 एंड 170, सो 170 इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 180 एंड 160, ये हो गया आपका 170 का है ना
जीरो एंड 170 ये आपका हो गया, एंड सेकेंड वन जीरो 150, जीरो 150 इज अप्रोक्सीमेटली हियर, सो जीरो 150 इज द पॉइंट, एंड कितना है 10 एंड 130, 10 एंड 130, सो 130 बिटवीन हियर, 140 एंड 120 के बीच है, और ये 10 है, ये यहाँ पे ये वाला लाइन आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तीनों पॉइंट से होकर चला गया लाइन, तो इस तरीके से आपकी लाइन जो आई है वो आ गया आपकी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 है, ये नीचे वाली रेड वाली हो रही है आपकी दूसरी लाइन। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज जो है 3.1 कंप्लीट होता है आज। चलिए एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है।